पहले मेरा नाम गुलजार अहमद भट्ट है, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ नारजून कल्चर सेंटर पटियाला का, और हमारे डायरेक्टर है प्रोफेसर सुभागी वर्धन जी, और हम जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज हम प्रोग्राम करें इसका नाम है जश्न चले कलान, और आज इसका तीसरा दिन है जश्न चले कलान का, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जश्न चले कलान को, लोगों ने बहुत पसंद किया इसको, और ख़ासकर जो मीडिया के हमारे दोस्त है सभी लोग यहाँ पे आए, उन्होंने पूरा दुनिया को दिखाया कि जम्मू कश्मीर का जो विरासत है, जम्मू कश्मीर की जो कला है और संस्कृति है उसको दुनिया तक पहुँचाया। और आज का जो प्रोग्राम है, पहले हमने यहाँ पर रखा था आज मुशायरा, कश्मीरी मुशायरा, और अब म्यूज़िकल शामी गज़ल जो प्रोग्राम होगा, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के कश्मीर के खासकर ऐसे महान कलाकार है जिनको मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ, उसको उनको दुनिया जानता है, सबको पता है, अहमद वहीद जिलानी साहब है, मुनीर अहमद मीर साहब है, शाहजा बशीर है, राजा बिलाल है हमारे, और एक बहुत बड़ी बात हमारे साथ खलील मोहम्मद भट्ट साहब है जो कवाली गाएंगे, और ये हमारी जम्मू कश्मीर की पहचान है। हम बार बार ही कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो कलाकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, और जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है, जम्मू कश्मीर की जो हेरिटेज है, और मैं बहुत बहुत मशगूल हूँ भारत सरकार का, भारत सरकार की कोशिश यही है जम्मू कश्मीर की कल्चर, मेरा यही था नारजून कल्चर सेंटर का यही मकसद था कि जो जब जश्न चले कलान होता है सब लोग बोलते चले कलान में कुछ नहीं हो सकता है जम्मू कश्मीर में, लेकिन मुझे लगता है इस पर हमें ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए, क्योंकि जो हम घर बैठ के पुराने ज़माने में लड़ी शाह दलील मंजिल बत नंद बत ऐसी चीज़ें हमारी जम्मू कश्मीर में होते थे, हमें उसी कल्चर को रिवाइव करना चाहिए और उसी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में होने चाहिए।